हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी जो चैप्टर में पिछले टर्म पे पढ़ाया था वो था द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो है एक एक पोर्शन हो चुका था, पार्ट वन हो चुका था। अब इसमें मैं पार्ट वन आपको बताऊंगा, जहाँ से मैं पिछले वीडियो में छोड़ा था अपना। तो अब यहाँ पे देखो, हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। एक तो जो पिछला मैंने आपको जो एक जो टेबल मैंने आपको बताई थी, जिसमें सारे मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो टेबल है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जिसमें जो ए बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फ्लाई, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, तो मैंने आपको बोला था कि ये सब आपको याद कर लेने का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो इस टेबल से पूछा जाएगा, नहीं तो फिर जो ए टैक्सोनॉमिकल एड है, क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं बेसिकली। तो देखो टैक्सोनॉमिकल एड होता क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड में जो होता है एक्चुअल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और उन पे क्या होता है स्टडी की जाती है, मतलब उन पे रिसर्च किए जाते हैं। किसके लिए? फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, आगे जो भी फ्यूचर में अगर कुछ भी जो स्टडीज़ होती हैं, ताकि उसमें हम उसे हम रिसर्च कर सकें, नई नई डिस्कवरीज कर सकें। तो इसलिए जो होता है उनमें रिजर्व करके उन पर स्टडी की जाती है, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। अब उसमें सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम देखो क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। इसमें जिस स्पेसिमेन, जो प्लांट स्पेसिमेन होता है जिसका हम कलेक्शन करते हैं, उसको क्या करते हैं, सुखा के फिर उसको कलेक्शन करते हैं और प्रेस्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन शीट, एक शीट पे सुखा के प्रेस करके उसका हम जो है यहाँ पे कलेक्शन करते हैं। एक टैक्सोनॉमिकल जो यहाँ पे स्टोर हर्बेरियम है, उसका स्टोर हाउस आप का फिगर यहाँ पे एनसीईआरटी में। उसके बाद क्या होता है कि यह कैसा होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। जो हर्बेरियम होता है यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, मतलब हर जगह इसका जो है एक्सेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम्स अ स्टोर हाउस ऑफ रिस्पॉन्स रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए इसमें हम जो है यहाँ पे जो हर्बेरियम होता है उसको यहाँ पे हम रखते हैं। द हर्बेरियम शीट्स आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। जो हर्बेरियम शीट होता है और भी मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ, यह हमें डेट बताता है किस डेट को मतलब और किस जगह पे जो है कलेक्शन किया गया है, और इंग्लिश या लोकल जो भी बॉटनिकल नेम होता है उस पर वो चीज़ लिखा होता है, फैमिली लिखा होता है, और जो कलेक्टर नेम होता है लास्ट में क्या होता है, कलेक्टर्स का नेम। आप हम सभी जब 12 में रहे होंगे तो आप सब ने हर्बेरियम शीट जो है बनाई होगी, तो उस पर आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें उस पर लिखी गई थी। हर्बेरिया जो होता है आल्सो सर्व अ क्विक रेफरल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, जो हर्बेरियम होता है क्या होता है, क्विक रेफरल होता है। ये मतलब जो भी मतलब अगर हमें किसी चीज़ को लेकर जानना है तो हमें इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक आसानी से जो है किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला एक या है थ्रू। उसके बाद अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में किसका हम कलेक्शन करते हैं, लिविंग प्लांट्स का करते हैं। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि लिविंग प्लांट्स का करते हैं। और कुछ जो है फेमस यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है जो कि आपको याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं बॉटनिकल गार्डन से पूछा जाएगा कि कौन सा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर सिचुएटेड है। तो पहला बॉटनिकल गार्डन है क्यू बॉटनिकल गार्डन है, कहाँ पर है वो, कहाँ पे, इंग्लैंड में है। तो आपको इतना ध्यान रखना है जो क्यू बॉटनिकल गार्डन है कहाँ पे, इंग्लैंड है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है कहाँ पे है, हार्वा इंडिया में है। उसके बाद आता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है, इंडिया में है। तो जितने भी लोग यूपी के हैं, तो अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार ज़रूर NBRI को, इसको ऐसे शॉर्ट में NBRI भी बोलते हैं।
तो जो NBRI है, क्या है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। तो अगर आप यूपी में हो तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद आप बात करते हैं म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम में देखो, जो म्यूज़ियम होता है ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स या कॉलेजेस में होता है। और म्यूज़ियम में भी हम प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करते हैं स्टडी के लिए। अब तक क्या था, जो बॉटनिकल गार्डन था उसमें केवल प्लांट था, और जबकि जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में प्लांट और एनिमल जो होते हैं इनको दोनों को रखते हैं। इसमें जो स्पेसिमेन होता है उसको या तो एक जार में प्रिजर्व करते हैं या फिर उसको किसी कंटेनर में, और इसमें अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को हम इसमें प्रिजर्व करते हैं किसी एक बॉक्स में। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम किल करते हैं, मतलब मारते हैं, फिर उसकी पिनिंग करते हैं, फिर उसको एक ठीक है, जो अगर इंसेक्ट हमें प्रिजर्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम मारेंगे। मारने के बाद फिर उसको हम एक मिनट सबसे पहले उसको हम मारेंगे फिर उसको पिन करके तब उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। और अगर वही जैसे अगर लार्जर एनिमल हुआ, मान लो कोई जैसे गाय भैंस या फिर ह्यूमन ही हुआ, कोई बड़ा एनिमल हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या स्टफ्स एंड प्रिजर्व। स्टफ़ का मतलब देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, उनको बताना चाहूँगा, स्टफ़ का मतलब होता है एकदम भूसा। तो जैसे कि अगर उसको जब भी मतलब अगर मारेंगे तो उसके अंदर जो है ये सब चीज़ें भर के हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं केमिकल्स में। म्यूजियम ऑफ इन कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, म्यूजियम में क्या होता है, जो एनिमल्स का स्केलेटन भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये तो बात हो गई म्यूजियम की। तो म्यूजियम में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं लाइन से पूछा जाएगा। उसके बाद देखो, जो जूलॉजिकल पार्क होता है, जूलॉजिकल पार्क में हम जितने भी एनिमल्स का अगर उसका प्रिजर्वेशन करते हैं तो किसके लिए, फूड एंड हैबिटेट उसका जानने के लिए, बिहेवियर कैसा है, तो इन सब पे एक तरह से स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जूलॉजिकल पार्क, मतलब आप जो जू कहते हो, शॉर्ट में हम क्या इसे हम जू कहते हैं, बट इसका जो नाम होता है क्या जू, जूलॉजिकल पार्क होता है। तो इसमें बेसिकली हम मतलब किसी भी एनिमल का फूड और उसका बिहेवियर की स्टडी करने के लिए इसमें हम रखते हैं कि, और उसे हम नेचुरल एक जो है यहाँ पे हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो है फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं जू के, अलग अलग जो है जूलॉजिकल पार्क हैं इंडिया में। तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने अभी तक कौन से जूलॉजिकल पार्क को विजिट किया है। उसके बाद बात करते हैं की, तो की देखो क्या होता है, की एक जो है तो है टैक्सोनॉमिकल एड है, इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की जो होता है, की में हम, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है, इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट और एनिमल की, किसके बेसिस पे सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। जो की होता है, की जो होता है बेस्ड होता है कुछ कुछ इसके करेक्टर्स होते हैं, जो कि किस जनरली कैसे होते हैं, या तो पेयर में होंगे, मतलब या तो दो करेक्टर होंगे, या तो फिर कपलेट, कपलेट का मतलब होता है सिंगल। तो जो इनके मतलब जो करेक्टर्स होते हैं या तो पेयर में होंगे या तो फिर क्या होंगे, सिंगल होंगे। ईच स्टेटमेंट्स इज द की इज कॉल्ड लीड, जो जितने भी जो की होता है, की के जैसे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो ये जो एक बार एग्जाम में अभी कुछ दो आई थिंक 2019 में ये पूछा गया था कि इज कार्ड लीड, तो जो लाइन देखो एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो जितने भी हाईलाइट, आपको पूरा एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट जितना मैं हाईलाइट किया हूँ खासकर आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाएंगे इन्हीं लाइन से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये जो लाइन है बहुत ध्यान से पढ़ना है। और लास्ट में क्या है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है अगर एग्जाम में, तो आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। जो भी आप टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज जहाँ भी ज्वाइन करोगे, तो क्या होता है कीज जो होते हैं कैसे एनालिटिकल, मतलब क्या होता है कि एनालिसिस करने, इसमें आप एनालिसिस करने वाली चीज़ होती है कि मतलब दो चीज़ें होती हैं उसमें एनालिसिस करते हैं कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। जैसे कि आप एक तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि दो पक्षी रखे हैं और उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स आपको एक तरफ साइड में दिए गए होंगे, जैसे सबसे पहले होंगे दोनों के दो पैर होते हैं, तो पैर तो फिर कबूतर का भी होता है, पैरट का भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोलेगा कि एक हरा रंग, तो हरा रंग किसका होता है, पैरट का होता है। तो ऐसे आप मतलब दो अगर चीज़ें हैं तो उनको मतलब उसके कुछ करेक्टर्स बताएगा, उसके बेसिस पे आपको पार्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आप बात करते हैं कुछ और भी यहाँ पे दिए गए एनसीईआरटी में,
फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राम, ठीक है। अब कैटलॉग्स, कैटलॉग से होता है क्या होता है, बुक ऑथर होते हैं इसमें, तो इसमें उसके बाद इसमें होगा सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। तो देखो जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा के लिए आप, मैं बस इस सिंपल से कहूँगा कि आप एक लाइन याद रखना, फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको जब भी ऐसे इसके क्वेश्चन जो आगे मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ऐसे आपको ये लाइन पूछ लेगा फ्लोरा, मतलब ऐसे बोलेगा द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बोलो कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ऑप्शन दिया, ऐसे दिया जाएगा फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राम कैटलॉग, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको फ्लोरा पे टिक करना होगा। तो इसमें दो बातें जो ध्यान रखने वाली है, मैंने उसको गोल भी राउंड भी कर दिया है, क्या आपको हैबिटेट एक तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस अगर आपको किसी भी लाइन में ये दो चीज़ें मिल जाएं, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको सीधे किस पे, फ्लोरा पे टिक करना है। उसके बाद क्या होता है मैनुअल, मैनुअल पे क्या आप करोगे, दीज प्रोवाइड्स इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। तो अगर इंडेक्स जो मैनुअल होता है, मैनुअल मतलब एक इंडेक्स, इंडेक्स मतलब ऐसे इसमें जो इंडेक्स होता है फ्लोरा में होता है, अगर आपको हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स कहीं पे, जैसे जो आपके बुक्स होती हैं या फिर जो जो भी आप, या फिर जो नोटबुक होती है उसके पहले इंडेक्स एक होता है ना, तो सेम वैसे इसमें भी इंडेक्स होता है, कहीं भी आपको हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स ये तीन चीज़ें मिल जाए, तो इसका मतलब क्या आपको सीधा फ्लोरा पे टिक कर देना है। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे पे, तो जो मैनुअल होते हैं, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। तो जो मैनुअल होता है, मैनुअल किसी भी जो भी जो स्पेसिमेन है उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो नेम्स होते हैं, नेम उसका अगर हमें रखना है तो उसमें क्या होता है, हेल्प करता है मैनुअल। तो अगर आपको ये लाइन कहीं पे दिख जाए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, तो उस पर आपको किसको टिक करना है, मैनुअल को टिक करना है। उसके बाद फिर बोल रहा है मोनोग्राम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। तो जो मोनोग्राम होता है, जो मोनोग्राफ्स होता है, मोनोग्राफ्स किसी टैक्सॉन के इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको सिंपल सिंपल से अगर ये लाइन मिलती है क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, तो आपको किस पे टिक करना है, आपको सीधा टिक कर देना है कैट, आपको मोनोग्राम पे टिक कर देना है। तो फिलहाल अभी इसमें इतना ही है, बाकी आपको समरी भी, समरी में ऐसा कुछ खास नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, जो कि मतलब एग्ज़ाम्स में से, अब तो जो नई एनसीईआरटी है उसमें तो फिलहाल हट गया है, बट कुछ चीज़ें हैं मतलब जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाएंगे, तो आपको चैप्टर भी इसको इसे हल्के में नहीं लेना है, जो भी और एग्ज़ाम्स जैसे आपके एम्स का एग्ज़ाम हो गया, और फिर जो भी मतलब या फिर यूपी में यूपी बीएससी नर्सिंग, या फिर जो उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग नीट में भी, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आपको इस चैप्टर को इतना हल्के लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान से, खासकर जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किए आपको उन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जो सिंपल मैंने लाइंस हाईलाइटेड किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।